हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक रीजन। यस, एक रीजन देखने वाले हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी वो क्यों हुई थी और क्या दुश्मनी थी लॉरेंस बिश्नोई की सिद्धू मूसेवाला से। ठीक है, तो आरजे रौनक चैनल से ये वीडियो है। क्यों था सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई में झगड़ा? लॉरेंस बिश्नोई लेटेस्ट आरजे रौनक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। दोस्तों, तारीख थी 7 अगस्त, साल था 2021, जगह थी मोहाली का सेक्टर 71। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विक्की मिदुखेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आए थे। तभी वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से चार हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। चार में से दो हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं और इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में ही विक्की पर 20 राउंड गोलियां दाग दी। गाड़ी में बैठने से पहले विक्की मिदुखेड़ा की जान चली गई। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। विक्की के इस मर्डर के बाद लॉरेंस घायल शेर बन जाता है। कुछ देर बाद ही वो फेसबुक पर एक पोस्ट लिखता है, अपने भाई विक्की मिदुखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। इस पोस्ट की सबसे खतरनाक लाइन थी कि जो भी विक्की के मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। बताने की जरूरत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड विक्की के इस मर्डर के लिए सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को जिम्मेदार मानते थे। लॉरेंस ने कई बार कहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हथियारों की मदद की, उन्हें पैसे दिए, हथियार दिए। लॉरेंस ने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिदुखेड़ा के मर्डर की शेखियां बगाड़ता था। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए हमें चिढ़ाता था। बस इतना काफी था लॉरेंस को भड़काने के लिए। 2021 को विक्की का मर्डर हुआ और उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तैयारी करने लग गए। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था। तिहाड़ में रहकर ही उसने कनाडा में बैठे अपने पार्टनर गोल्डी ब्राड के साथ मिलकर मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास एक ई सिम पहुंचाया गया। ई सिम में कोई सिम कार्ड नहीं लगता, इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिव किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड ने मूसेवाला के मर्डर के लिए 10 महीने लगाकर एक पूरा रैकेट तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि रैकेट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिलकर काम करना था, मगर एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है, उस आदमी को गाड़ी में बिठाना है, मगर कौन आदमी क्या है, उसकी पहचान क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा गोल्डी ब्राड ही ऑपरेट कर रहा था। दूसरे देश में बैठे कभी लोग जानते हैं कि 29 मई को मूसेवाला के मर्डर से पहले गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई के 6 आदमी 15 दिन में मूसेवाला को मारने की 8 बार कोशिशें कर चुके थे, मगर उस वक्त मूसेवाला को पंजाब पुलिस की तरफ से हैवी सिक्योरिटी मिली हुई थी। खुद को मिल रही धमकियों के बाद मूसेवाला बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर गाड़ी में भी चलता था। इस कारण से हर बार उसके मर्डर का प्लान कैंसिल करना पड़ा था। मगर 28 मई को गोल्डी ब्राड को अचानक पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जिन 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी कम की है उसमें सिद्धू मूसेवाला भी। गोल्डी ब्राड को पता था कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता। खबर मिलते ही उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। उसने अपने शूटर्स को यहां तक कहा कि अगर मूसेवाला AK-47 से न मरे तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा देना। फिर आया 29 मई का वो दिन। उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके एक एक लम्हे की आज हम आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर सुना। दोस्तों, 28 मई को गोल्डी ब्राड को जैसे ही पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले 4 हत्यारे हरियाणा के केमारा इलाके में पहुंच गए। इसके बाद कुछ और हत्यारे हरियाणा के उकलाना मंडी से मानसा के लिए निकल पड़े। 11:30 के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच गए। गोल्डी ब्राड के कहने पर ये सभी लोग 4 बजे तक उस ढाबे पर रुके रहे और फिर शुरू हुआ असली खेल। 4 बजते-बजते हरियाणा साइड के शूटर उस ढाबे पर आ गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए और इसके बाद ये सभी लोग अपने चीफ गोल्डी ब्राड के अगले ऑर्डर का वेट करने लगे। तभी 4:30 बजे गोल्डी ब्राड का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को बताता है कि सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। इसके बाद गोली की रफ्तार से शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई। उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी को उसी ढाबे पर वापस मिलना था।
शूटरों की बोलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। तभी गोल्डी ब्रार का फिर फोन आया। उसने बताया मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में है, साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहां वेट करने लगी। थोड़ी देर में मूसेवाला की थार ने शूटरों की बोलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। तभी दो गाड़ियों में शामिल छह शूटरों ने अपनी गाड़ी को सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगाया और उसे आगे पीछे से घेर लिया। इससे पहले मूसेवाला कुछ समझ पाता, इन छह शूटरों ने 19 राउंड गोलियां दागकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से भी इन हत्यारों पर छह गोलियां चलाई। हत्यारे मूसेवाला को मारने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्हें इतनी गोलियां मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को हिलाकर यह भी चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इस तरह विक्की मिदुखेड़ा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर अपना बदला ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मूसेवाला के मर्डर पर इस गैंग ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्डर में शामिल हर शूटर को बताया जा रहा है 5-5 लाख रुपए दिए गए। हथियारों ने अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए ही थे। गोल्डी ब्रार ने भी उनके लिए AK-47 का बंदोबस्त किया था। उसने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश की 10 अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात करके अपनी एक टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले ही बता दिया गया था। मसलन मूसेवाला के कत्ल के लिए किसे रेकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटरों को भगाने में मदद करनी है, किनको शूटरों के लिए और उनको छुपने के लिए होटलों का इंतजाम करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसे कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर लौट जाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी ब्रार ने हर किसी के हिस्से का काम पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही मूसेवाला का मर्डर हुआ, 9 महीने से बदले की आग में तड़प रहा लॉरेंस बिश्नोई फिर से फेसबुक पर आया और ये पोस्ट लिखी, मैं और गोल्डी ब्रार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार लोड रखता हूँ। इसलिए हमने अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर की हत्या में शामिल थे वो चौकन्ने हो जाएं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू का पुलिस ने अमृतसर के पास एनकाउंटर कर दिया था। वहीं लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बना था। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम इलाके के एक पते पर बनाया गया। उसने मूसेवाला हत्याकांड का मर्डर में इस्तेमाल शूटरों के रहने खाने शेल्टर पैसे गाड़ियों का इंतजाम किया था और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते वो दुबई भाग गया। इसके बाद वो दुबई से अजरबैजान चला गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के नाम से फेसबुक पर इस मर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, लेकिन तब से आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कई बार अपने बयान बदले। शुरू में उसकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये बात भी निकल कर आई थी कि 2018 में कनाडा में बैठा गोल्डी ब्रार और लॉरेंस के खास गैंगस्टर्स के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला ने लांड्रा रोड पर एक गाँव में चल रहे कबड्डी कप में शो करने वो चले गए थे। उस शो में जाने के लिए सिद्धू ने मुंबई का एक शो भी कैंसिल कर दिया था। इसी की रंजिश को लेकर गोल्डी ब्रार से उनकी काफी ज्यादा अनबन भी हुई थी, क्योंकि गोल्डी ब्रार का ग्रुप नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला यहां पर आकर कबड्डी कप में हिस्सा ले और शो करे। इसके बाद ही उनकी आपसे रंजिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए 29 मई को जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो लॉरेंस ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने की बात की थी, लेकिन आगे चलकर उसने कहा कि मूसेवाला से तो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी ही नहीं, लेकिन मूसेवाला के गाए गीतों से ऐसा लगता था कि वो अपने गानों के जरिए उसे चुनौती दे रहा है। लॉरेंस को यह भी लगता था कि मूसेवाला अपने गीतों में गैंगस्टर दविंदर बबीहा और उसके गैंग की तारीफ करता। इसके बाद मार्च 2023 में जेल से एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बिश्नोई ने फिर से कहा कि उसे मर्डर की प्लानिंग की जानकारी तो थी, मगर मैं इसमें शामिल नहीं था। ये सारी प्लानिंग बाहर गोल्डी ब्रार भाई ने की और मूसेवाला ने मेरे बड़े भाई विक्की मिदुखेड़ा का मर्डर भी करवाया था और ये स्टेज से उसकी डींगे भी हांकता था, हमारे एंटी गैंग को सपोर्ट करता था, जेल में भी उनसे बातें करता था और जेल में भी उन्हें सपोर्ट करता था। कांग्रेस में इसकी अच्छी पकड़ थी, कॉमेडियन राजा बड़िंग और सीएम चन्नी के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, पुलिस भी इनके असर में थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट में दिए अपने बयान में लॉरेंस ने फिर से कहा कि वो मूसेवाला गाँव का रहने वाला भी नहीं था, मूसेवाला से उसकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा कोई फाइल रिकॉर्ड में भी नहीं है कि उसने सिद्धू मूसेवाला से किसी फिरौती की मांग भी की हो। मृतक सिद्धू मूसेवाला ने भी कभी भी उसके खिलाफ पुलिस के पास फिरौती मांग
मांगने को लेकर कोई शिकायत नहीं की। वेल, मूसेवाला के मर्डर को आज 2 साल हो गए हैं। इस मामले में कई लोग पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, कुछ का एनकाउंटर हुआ है, कुछ अब भी फरार है। मगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इतने हाई प्रोफाइल शख्स के मर्डर ने उस वक्त कई सवाल भी खड़े किए थे। लोग इस बात से भी हैरान थे कि एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल के अंदर रहकर इतने बड़े आदमी का न सिर्फ मर्डर प्लान कर ले बल्कि उसकी हत्या भी करवा दे। अगर ये कोई इकलौता मामला होता तब भी बातें आई गई हो सकती थी। मगर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उसके जेल में होने के बावजूद एक्टिव है, जिस तरह उसके लोगों ने करनी सेना के चीफ के घर में उनका मर्डर किया, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने इस साल सलमान खान जैसे सुपरस्टार के घर पर फायरिंग कर दी, उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, जिस तरह उसने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल फिगर को इतने बड़े नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, उसने आज हर किसी को हिलाकर रख दिया है। कुछ लोग उसे दाऊद से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। कानून की नज़र में वो गैंगस्टर है, अपराधी है, मगर जिस तरह उसने खुलेआम चैलेंज करके अपने दुश्मनों को मारा है, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। मूसेवाला के जाने का दर्द उनके फैंस आज तक महसूस कर रहे हैं। मगर गैंगस्टर्स का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिश्ता या दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। 2018 की बात बताता हूँ, पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा पर भी गोली चली थी, तब वो जैसे तैसे उस हमले में बच गए थे। 1996 में पंजाबी सिंगर दिलशाद अख्तर पर भी हमला हुआ था। 1988 में संगीतकार अमर सिंह चमकीला की भी हत्या कर दी गई थी, मगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने हाल फिलहाल जैसा असर छोड़ा वैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के पास अपनी करतूत की अपनी वजह है। लॉरेंस के चाहने वाले इसे अपनी नजर से देखते हैं। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड देखो, मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे कमेंट्स, मेरे ओपिनियन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा न्यूट्रल है। देखो, मैं आपसी रंजिश के बारे में तो कुछ जानती नहीं हूँ, ठीक है, कि उनकी आपसी क्या रंजिश थी, वो क्यों एक दूसरे के दुश्मन थे। उस हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है रौनक भाई द्वारा, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ भी क्यों दुश्मनी हुई थी, क्या था क्या नहीं, वो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा था। लेकिन वही है, मतलब यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अक्सर सही गलत में चुनने में काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं, रुक जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये झिझक कभी कभी लाजमी भी होती है, कभी कभी मजबूरी होती है, कभी कभी आपकी मर्जी तो होती है बट नहीं कह सकते, तो समझ लो कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो वही चीज़ है यार, देखो मूसेवाला जो थे वो बहुत अच्छे सिंगर थे, ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन पंजाबी इंडस्ट्री, ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिंगर थे, और अगर सिंगिंग करियर पे वो अपने अच्छी तरीके से ध्यान देते तो आई थिंक सो वो आज हमारे बीच होते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बस वही चीज़ है यार, जैसे लोग एक बॉलीवुड में भी नहीं है कि हाँ लोग ट्रैक से जब हट जाते हैं तो फिर वो हट ही जाते हैं, है ना। जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जो कि राजनीति वगैरह में चले गए हैं, ठीक, और एक्टर हों चाहे एक्ट्रेसेस हों, वो राजनीति में चले गए हैं, तो अब वो वही हैं, वो मतलब इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक नहीं कर सकते, ना ही उनका उनकी प्रेजेंस, उनकी जो फीचरिंग है वो वैसी रह सकती है। तो वही चीज़ है यार, मेरा बस इतना सा कहना है कि आप जिस क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, उसी क्षेत्र में रहो, प्लीज़ जस्ट डोंट गो एनीवेयर अदर हैंड, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।